आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे हम, ये दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। अब इसे हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए ब्रैकेट में ले लेंगे और प्लस और ए प्लस बी ए ब्रैकेट में ले लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी आपको मालूम है, ये आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह तो ये आइडेंटिटी रख देंगे और प्लस का ये ए प्लस बी साथ में रख देंगे। अब इन दोनों टर्म को देखो आप, इनमें कॉमन क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी यहां पर आप कॉमन ले लो, बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का वन, क्योंकि इस ए प्लस बी को हमने बाहर ले लिया फैक्टर के रूप में, तो इसकी जगह पर वन बच गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर तो पूरी आइडेंटिटी पुट अप कर देनी है, इसे साथ में रख लेना, फिर इस वाले में से ए प्लस बी बाहर कॉमन ले लेना। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब माइनस का ए और प्लस का बी। तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो सकता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए ऐसे ही रख ले और माइनस बाहर लेकर ए माइनस बी अंदर कर दें, क्योंकि अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का ए हो जाएगा, ये प्लस का बी हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आइडेंटिटी लगा दो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का ए माइनस बी। अब ये पूरी टर्म देख लें, ये पूरी टर्म देख लें, इन दोनों में से ए माइनस बी तो ए माइनस बी हो गया कॉमन, यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस का वन, क्योंकि ये वाला ए माइनस बी बाहर आ गया। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।